हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसका नाम है हाइपेरिकम। ये आपको किस बीमारी में और किस प्रकृति में और किस ड्यूरेशन में यूज करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, उसका पहला सिम्टम यह है कि ये दवा घर में रखने की चीज़ है, क्योंकि अक्सर घर में चोट लगती है, कट जाता है, फट जाता है, छिल जाता है। तो इसके लिए जो है, अगर किसी को चोट लगने की वजह से कोई बीमारी हो और चोट के कारण टिटनेस का शिकायत हो जाए, बेहोशी की शिकायत हो जाए, कन्वर्सन की शिकायत हो जाए, एंठन की शिकायत हो जाए, तो उसके लिए हाइपेरिकम रामबाण दवाई है। आप जो चार चार बूंद करके दिन में तीन बार ले लीजिए, आपकी इस ये जो प्रॉब्लम है चोट के कारण जो प्रॉब्लम हुई है, ये आपका जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम यह है कि अगर आपको सुई गड़ गई है, आरपिन गड़ गया है, कीर गड़ गया है, यहाँ तक कि जो है चूहा काट लिया है, तो चूहा काटने पर जो है ये दवाई बहुत बढ़िया काम करती है। इसलिए आपको हाइपेरिकम रखना जरूरी है। तो आप हाइपेरिकम 30 पावर में चार चार बूंद करके दिन में तीन बार लगातार एक हफ्ता दीजिए, आपकी जो है प्रॉब्लम जो है इसका बैड इफेक्ट आप चूहा जो काट लिया है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, अगर किसी भी कारण से नर्व इंजरी हो गई है या मसल इंजरी हो गई है, तो इसके लिए आपको भी हाइपेरिकम 30 पावर में चार चार बूंद करके दिन में तीन बार लगातार दे दीजिए, क्योंकि मसल्स में इंजरी होती है तो उसमें टाइम लगता है, नर्व में इंजरी होती है उसमें टाइम लगता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे कि नर्व में इंजरी हो जाए और मसल में इंजरी हो जाए, तो आप जो है हाइपेरिकम 30 चार चार बूंद करके दिन में तीन बार लगातार ले लीजिए, आपकी नर्व इंजरी मसल इंजरी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि अगर किसी को बहुत दिनों की चोट है और उसका असर अब हो रहा है, दर्द हो रहा है उसमें, तब इस केस में आपको 30 पावर देने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको हाइपेरिकम 200 चार चार बूंद करके हफ्ता में एक बार दीजिए लगातार, जब तक कि आपका दर्द ठीक नहीं होता है। तो पुराने चोट की यह बहुत बढ़िया दवाई है, इसके लिए आपको हाइपेरिकम 200 पावर में देनी पड़ेगी हफ्ते में सिर्फ एक बार। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, ये हमारा जो जबड़ा होता है एकदम लॉक हो जाता है, जिसको टिटनेस बोलते हैं। तो अगर किसी को चोट लग गई है या ऐसा कीड़ लग गया है जिसमें जंग लग गया है और टिटनेस का डर रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हाइपेरिकम 200 चार चार बूंद करके रोज़ सुबह सुबह कम से कम 5 दिन तक दे दीजिए, उनको टिटनेस की समस्या करीब 90% तक ठीक हो जाएगी। माने 90% तक चांस है कि उनको जो है टिटनेस उनको नहीं होगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि अगर आपने किसी भी केस में ऑपरेशन करवा लिया है और ऑपरेशन के बाद में सुस्ती आने लगी है, और जो ऑपरेशन करवा रहे हैं वो घाव जो है न तो जल्दी सूखता है, न जल्दी भरता है और दर्द करता है उसमें, तो ऐसे केस में आप जो है हाइपेरिकम का यूज़ करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। हाइपेरिकम 30 पावर में चार चार बूंद करके दिन में तीन बार लगातार 15 दिन तक ले लीजिए, तो आपका जो घाव भी भर जाएगा और घाव भी सूख जाएगा, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, अगर आपकी नस इंजर्ड हो गई है, कोई एनिमल काट लिया है, जैसे हम चूहा बोले हैं, चूहा के अलावा अगर आपको कोई जानवर काट लिया है जिसमें टिटनेस का चांस बेसी होता है, ऐसा काटा है कि वो उसका सिम्टम नर्व तक पहुंच गया है, जो है नर्व तक पहुंच गया है और नर्व इंजर्ड हो गई है, तो ऐसे केस में आप जो है हाइपेरिकम 30 पावर में चार चार बूंद करके तीन बार लगातार लीजिए, आपका जो नर्व इंजर्ड हो गई है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि ये अस्थमा की बहुत अच्छी दवाई है। अगर चेंज ऑफ वेदर होता है, जैसे गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी, मौसम कोई भी हो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको चेंज ऑफ वेदर हो गया और आपको सांस फूलने लगी, इसके लिए आपको हाइपेरिकम 30 चार चार बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 3 महीने तक ले लीजिए। जो चेंज ऑफ वेदर में आपको दमा की शिकायत होती है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम जो है पाइल्स पर है। डॉक्टर टाइगर ने यह बताया है कि अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, तो अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप इसको एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल यूज़ कर सकते हैं और आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, लेकिन दवाई आपको कुछ दिन खानी पड़ेगी। हाइपेरिकम 30 पावर में चार चार बूंद सुबह शाम लगातार 3 महीना तक ले लीजिए, आपका एक्सटर्नल पाइल्स इंटरनल पाइल्स दोनों ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि हमारे हाथ और पैर में एक तरह का सेंसेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई कीड़ा जो है रेंग रहा है, तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप जो है हाइपरकम 30 चार बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन कम से कम एक हफ्ता तक ले लीजिए, आपका जो है ये प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला सिम्टम यह है कि हाइपरकम मेन नर्व की दवाई है, नर्व टॉनिक है। नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दिया जाता है। जैसे अगर नर्व में चोट लग गई है तो आपको हो जाएगा न्यूरोजिया, न्यूराइटिस। तो अगर आपको न्यूरोजिया हो गया है और चाहे न्यूराइटिस हो गया है, माने नर्व में सूजन आ गई है, दर्द करता है, तो ऐसे केस में आप जो है हाइपरकम 30 चार चार बूंद करके दिन में 3 बार एक हफ्ता लीजिए, आपका जो नस का प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद में कुछ दिन तक और लीजिए, नर्व की जो प्रॉब्लम है न्यूरोजिया ये भी ठीक हो जाएगा, और जो नस सूज गई है, फूल गई है, दर्द हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि रीढ़ की हड्डी की जो अंतिम बोन होती है जिसको कॉक्सिस बोलते हैं, अगर उसमें इंजरी आ गई है और उसका दर्द ऊपर स्पाइन तक जाता है और नीचे डाउन थाई तक जाता है, तो ऐसे केस में आपको हाइपरकम 30 चार चार बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, ये परेशानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको दवाई कुछ दिन कम से कम 1 महीना तक इसको आपको लीजिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि आपके जो वर्टेक्स है, बीच में जो वर्टेक्स है, इसमें आपको हमेशा थ्रोबिंग करता है। ऐसा कारण कोई भी हो, अगर आपके वर्टेक्स में थ्रोबिंग करता है लगातार और आप इस थ्रोबिंग से परेशान हो गए हैं, दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा लिए हैं, दुनिया भर का इलाज करवा लिए हैं, फिर भी कोई डिजीज पकड़ नहीं आया, तो अगर वर्टेक्स में हमेशा जो है बेदाडुना की तरह थ्रोबिंग करता रहे, तो आप हाइपरकम 30 चार चार बूंद सुबह शाम लगातार जो है कुछ दिन दे दीजिए, वर्टेक्स में जो थ्रोबिंग हो रहा है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम यह है कि आपके अगर आँख में दर्द हो रही है, तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे करें चाहे ऐसे में नहीं करें, अगर आपको आँख में दर्द है और कान में दर्द है, तो कारण कुछ भी हो, आपके घर में हाइपरकम है, तो आप हाइपरकम 30 दो दो तीन तीन घंटा पर लीजिए, जब तक कि आपका आई में पेन रहे और ईयर में पेन रहे तब तक आप इसको ले सकते हैं। तो आप हाइपरकम 30 अपने कष्ट के अनुसार जल्दी, जितना जल्दी लीजिएगा उतना जल्दी आपको फायदा होता जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि जो हमारी सेक्रम की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो सेक्रम बोन होता है, उसमें आपको दर्द नहीं होता है, उसमें आपको एक तरह का अनइजीनेस लगता है, उसमें एक तरह का प्रेशर लगता है, आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ भारी चीज़ है, लेकिन दर्द नहीं करता है। तो ऐसे केस में आप जो है हाइपरकम 30 चार चार बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक ले लीजिए, आपको आराम एक हफ्ता में हो जाएगा, लेकिन दवाई कम से कम 1 महीना कंटिन्यू रखिए। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है मेंटल सिम्टम पर है। मेंटल सिम्टम में क्या होता है कि लिखने के समय शब्द भूल जाना, इसके बाद जो है भूत प्रेत दिखाई देना, आपको रात में जो सोते हैं तो आपको रात में भूत प्रेत दिखाई देता है, और आप जब किसी से बात करते हैं आप पूरा बात नहीं कर पाते हैं, बीच में ही आप भूल जाते हैं कि हमने क्या बात किया था, तो इसका मेंटल सिम्टम है। तो पहला सिम्टम हो गया कि बात करते करते पेशेंट भूल जाता है, एक सिम्टम हो गया मेंटल सिम्टम। और दूसरा सिम्टम हो गया कि रात में भूत प्रेत दिखाई देता है सपना में और पेशेंट डर जाता है, तो उसके लिए भी आपको हाइपरकम खानी है। और उसके बाद में लिखने के समय शब्द भूल जाना, अक्षर छूट जाना, ये सब अगर परेशानी है तो आप हाइपरकम 30 चार चार बूंद करके सुबह शाम लगातार जो है 1 महीना लीजिए, आपकी ये तीनों प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम बहुत ही यूनिक है। अगर गर्दन में आपके चोट लग गई है, यहाँ गर्दन में चोट लग गई है, और चोट लगने के बाद में आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा है, आप बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिए हैं या नहीं दिखाए हैं वो बात नहीं है, तो अगर आपको गर्दन में चोट लग गई है और गर्दन में चोट लगने के कारण आपको सिर दर्द हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो आप जो है हाइपरकम 30 पावर में दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए। अगर गर्दन के चोट से आपको सिर में दर्द हो रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है एक्सट्रीमिटी पर, माने अंगुली पर, अंगुली या सिर या कोई स्थान अगर कुचल जाए, माने आर्निका में तो चोट लगता है और केंद्रा में जो फट जाता है, लेकिन इसमें क्या है जैसे दरवाज़ा से ही आपका हाथ जो है कुचल गया है ऐसे, तो आप याद रखिए कुचल जाने की दवा जो है हाइपरकम बहुत बढ़िया दवाई है। तो हाइपरकम 30 आप इसको आधे आधे घंटे पर चार चार बूंद करके लगातार 5-6 बार करके लीजिए, आपका जो है दर्द तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम और अंतिम सिम्टम यह है कि अगर आपके पैर की अंगुलियों में
छोटे छोटे गांठ बन गए हैं और उसमें दर्द होता है। ये कोई परेशान करने वाला मर्ज नहीं है, लेकिन आप जब जूता मोजा पहनेंगे तो आपको दर्द होगा। तो अंगुलियों में अगर इस तरह की गांठ बन जाए और उसमें दर्द रहे तो आप जो हाइपेरिकम 30 पावर में कुछ दिन सुबह शाम ले लीजिए, आपके अंगुलियों में गांठ हो गई है ये भी ठीक हो जाएगी और दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं कि आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में #AskDrPSTiwari देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।